इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन है। तो यहाँ पे ये वाली जो प्रोटीन है इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, जैसे कि पोर होता है या जैसे गेट होता है किसी भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस के गुजरने के लिए जो प्रोटीन्स होती हैं ये रास्ता फ्राहम करती हैं। मतलब ये कि अगर सेल के इर्द गिर्द बाउंड्री मौजूद है, सेल है और सेल के इर्द गिर्द वॉल मौजूद है जो कि सेल को वॉल मौजूद है जो कि सेल को प्रोटेक्ट कर रही है, तो इस वॉल के अंदर पोर्स भी हैं ताकि जो मॉलिक्यूल्स है ना उनका एक्सचेंज हो सके, जो बाहर के मॉलिक्यूल्स है वो अंदर आ सके और अंदर के मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर जा सके। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इसका स्ट्रक्चर हमें इस तरह से नजर आएगा। और इसकी कंपोजिशन क्या होती है इन गेट्स की या इन पोर्स की, ये प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और आसानी से मॉलिक्यूल्स जो है इसके अंदर आ सकते हैं, बाहर से इन साइड ऑफ द सेल आ सकते हैं या इन साइड ऑफ द सेल जो है वो बाहर जा सकते हैं, और ये गेट जो है ये क्लोज भी हो सकते हैं बंद भी हो सकते हैं। और ये आम आंख से नजर नहीं आते, इनको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ती है। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं ये इम्बेडेड होते हैं कहीं कहीं पे, जैसे यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो एक मॉलिक्यूल लगा होता है जिसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, या कहीं कहीं पे ग्लाइकोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। तो ये जितने भी केमिकल्स हैं हर एक, तो ये वाला जितना भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसे साइंटिस्ट ने पेश किया था और इसने ये कहा था कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है और ये बिल्कुल सैंडविच की तरह का है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये समझे कि ये दो पीसीज हैं और इसके दरमियान में कोई चीज़ रख दी जाए तो